दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान सफर हमारा जारी है। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपके समक्ष लिखा गया है, आज का हमारा चर्चा का विषय है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, एजुकेशन सेकंड पेपर, शिक्षण के आधारभूत कौशल। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, शिक्षण के आधारभूत कौशल चैप्टर 7 की शुरुआत हमने कल ही आपके समक्ष कर दिया था, जो कि आज का जो टॉपिक आपके बीच में जा रहा है वह पार्ट नंबर 2 में जा रहा है। ठीक है, आपके सबसे ऊपर लिखा जा रहा है, लिखा है आप सभी के मोटिवेट करने के लिए लिखा जा रहा है कि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तो जरा हिम्मत तो कर। कहना है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बिल्कुल, और आप सभी एक लाइन सुने होंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये सारी चीजें आपने सुना है, मैं इसका मतलब आप सभी से कहना चाहूंगा, यहां लिखा गया है ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बिल्कुल एक चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो आपका जो परम उद्देश्य होना चाहिए कि हम भविष्य में अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखेंगे। ठीक है, और अगर डीएलएड आप कर रहे हैं और डीएलएड आप मस्ती भरे दिनों में कर लिए, तो जाहिर सी बात है वो डीएलएड आपका कोई काम का नहीं होगा। इस वजह से अगर आप अपने ख्वाब को संजोए हैं कि हम भविष्य में शिक्षक बनेंगे, तो बिल्कुल आप सभी को ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। कोशिश आप सभी को अनवरत करना पड़ेगा, जैसा कि बार बार यही चीजें आपसे बताया जा रहा है। तो बहरहाल ये सारी चीजें आप खुद समझ पा रहे हैं, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं। देखिए आपके समक्ष लिखा गया है शिक्षण के आधारभूत कौशल पार्ट नंबर 2 की शुरुआत आपके बीच में की गई है। यहां लिखा जा रहा है सभी सब्जेक्ट के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र और मात्र 150 रुपए में। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप सभी के डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान जो भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप मामूली से शुल्क 150 रुपए को पेमेंट करें। तत्काल आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाए। ठीक है, नीचे लिखा जा रहा है नोट्स संबंधी समस्या समाधान के लिए आपको कांटेक्ट नंबर दिया जा रहा है 94 52 33 10 53 पर। आप बेधड़क अपनी बातों को व्हाट्सएप मैसेज करके आप रख सकते हैं, समय रहते हुए आपके सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आपका फीडबैक नहीं मिल पा रहा है और आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा आप वीडियो को शेयर करें और जो है आप कॉमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक अवश्य, क्योंकि आपका फीडबैक ही, चाहे कोई भी शिक्षक हो, आपका फीडबैक ही मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। आप मुझे बताएं कि क्या मेरे द्वारा दी गई चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कृपया यह चीजें आप जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को आप शेयर नहीं करते और लाइक नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं एजुकेशन सेकंड पेपर पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए सेकंड पेपर में आप देख पा रहे हैं कौशल प्रस्तावना हम किसे कहेंगे। देखिए कौशल प्रस्तावना, प्रस्तावना कौशल, ये सारी चीज़ें आप जब माइक्रो टीचिंग करते हैं या जब आप प्राथमिक विद्यालय में टीचिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लेसन प्लान बनाना होता है। ये सारी चीज़ें काम वहाँ आती हैं, आपके परीक्षा में कभी ये पूछी नहीं गई हैं, इस वजह से इसे हम बहुत डिटेल में नहीं ले चल रहे हैं। आपको सिर्फ एक जो है एक ही पेज में यह सारी चीजें लिखी गई हैं, आपको स्पष्ट करते हुए हम लेके चल रहे हैं। जो चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, उसे विस्तृत रूप से आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए आपसे लिखा जा रहा है सूक्ष्म पाठ योजना हिंदी भाषा। बिल्कुल आपके यह जो सूक्ष्म पाठ योजना जब आप बनाते हैं, यह हिंदी भाषा पर बनाई गई पाठ योजना है। पहले आप डालते हैं दिनांक, यानी आप किस दिनांक को शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षण का दिन आपका क्या हो सकता है, किस दिन को आप जो है यह कार्य कर रहे हैं, और आपका विषय क्या है। विषय तो आप देख ही चुके हैं, हिंदी भाषा आपकी दी गई है। आप किस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कक्षा का नाम होना चाहिए। ठीक है, कक्षा के नाम के बाद जो है उसके बाद अवधि आपकी होनी चाहिए। देखिए इसकी जो पाठ योजना या सूक्ष्म पाठ योजना की अवधि आपकी होती है, वह 4 से 5 मिनट की अवधि होती है। आपका जो प्रकरण इसमें दिया जाता है,
हर टॉपिक का एक अपना प्रकरण होता है। प्रकरण आप देख पा रहे हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज, यानी आप जितने भी क्वेश्चंस बच्चों के सामने करेंगे सभी का प्रकरण आपका क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, यानी राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपके समक्ष सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। कौशल का नाम आप देख पाए, कौशल का नाम पाठ प्रस्तावना कौशल, कौशल के घटक क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला आपसे कहा जा रहा है कि कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध। बिल्कुल, हमने आपसे कहा कि जितने भी आप क्वेश्चंस पूछें वह बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कथन पूछ रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं तो पता लगा राष्ट्रीय ध्वज कहीं और का हो, कैसे है, किस प्रकार से पूछ रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। कभी भी आप बच्चों से क्वेश्चंस पुटअप करें तो वह उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। आगे आपसे दो नंबर में कहा जा रहा है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध। जो भी कथन आप पूछ रहे हैं, जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसके पाठ से संबंधित होना चाहिए। पता लगा आप पूछ रहे हैं उसके पाठ में कुछ और दिया गया है, ये सारी चीजें आपको बखूबी ध्यान रखनी है। प्रश्नों का आपसी तालमेल होना चाहिए। ठीक है, प्रश्नों का आपसी तालमेल कैसे होना चाहिए अभी आगे इस पर हम प्रश्न इसमें दिया गया है इस टॉपिक में हम आपको आगे बताते हैं इस पर। ठीक है, चार नंबर में आपसे कहा जा रहा है छात्रों की रुचि स्तर का ध्यान रखना। बिल्कुल, आप ऐसे प्रकरण को तैयार करें जिसमें छात्र रुचि लेते हैं। ठीक है, अब पता लगा आप ऐसे टॉपिक पर ऐसा टॉपिक प्रकरण बना दिए हैं जिसमें छात्र रुचि ही नहीं ले रहे हैं तो कोई मतलब आपका नहीं निकलता है। छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, यह चीज़ें आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि छात्रों जब भी आप क्लास में एंटर करें तो आपको आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम किसी छात्र को प्रेरित कर सकें। ठीक है, और छह नंबर में आप देख पा रहे हैं अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। बिल्कुल, अगर आप एक शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं, एक भविष्य के भावी शिक्षक हैं या आप शिक्षक बन चुके हैं तो आपके अंदर हमेशा उत्साह होना चाहिए। पता लगा क्लास में घुसते ही आप खुद मरे हुए के समान हो जा रहे हैं तो वह शिक्षण आपका कोई काम का नहीं है। हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान बनी होनी चाहिए और आप इतने जागृत हों कि कोई भी बच्चा अगर कुछ कार्य कर रहा है तो आपकी नज़र फटाक से उस बच्चों पर पड़ जाए। ठीक है, यही शिक्षक जो है शिक्षक माना जाता है। ये सारी चीजें आप समझ पाए। अब हम प्रश्नों का यहां जो दिया गया है तीन नंबर में आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नों का आपसी तालमेल होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए, देखिए प्रश्न आपके बीच में आ रहे हैं झंडे में कितने रंग हैं। ठीक है, जैसे झंडे में कितने रंग हैं आप बताएंगे, झंडे में तीन रंग होते हैं, केसरिया सफ़ेद हरा होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए, झंडे में तीन रंग का चुनाव क्यों होता है, आखिरकार झंडा जो हमारा होता है उसमें तीन रंग का चुनाव क्यों होता है। देखिए, पहला आपका दिया गया है दो नंबर में तीन रंग का है, झंडे में तीन ही रंग का चुनाव क्यों होता है, पहला आपका दिया गया है। यह प्रकरण थोड़ा सा गलत हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम अगले लेक्चर में जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहरहाल गलत नहीं है लेकिन कुछ इसमें त्रुटियां जरूर हैं जो मुझे समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगला दो नंबर में आप देख पा रहे हैं इसमें स्पष्ट क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, झंडे में तीन रंग का चुनाव होना होता है, किस रंग का होता है, इस तरह से क्वेश्चंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें पहला आपका है केसरिया होना चाहिए जो कि त्याग और तपस्या का जो है बताता है, और दूसरा आप देख पा रहे हैं सफेद रंग जो आपका है सत्य और पवित्रता को बताता है, हरा रंग हमारी हरियाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। ठीक है, प्रत्येक रंग का अपना एक कार्य होता है। आगे आप तीन नंबर में देख पा रहे हैं, तीन नंबर में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है झंडे के बीच में क्या होता है, झंडे के बीच में अशोक चक्र होता है, ये सारी चीजें जिसमें 24 तीलियां होती हैं जो 2400 घंटों को दर्शाती है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब इसी से कोरिलेटेड आप पूछे झंडे में चक्र क्यों बनाया गया है, यहां लिखा गया है सत्य अहिंसा प्रेम और विश्व शांति का प्रतीक होता है, इसलिए यह झंडे में जो है अशोक चक्र बनाया गया है। ठीक है, या चक्र बनाया गया, ये तो आपके प्रकरण थे। ठीक है, ये ऐसे ही आपको जब आप टीचिंग करने जाएंगे प्राथमिक विद्यालय में तो इसी तरह से सेम आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। यह भी लेक्चर आपका छोटा है, बिल्कुल शॉर्ट बनाया गया है, बहुत ज्यादा इसमें डीपली नहीं ले गए हैं क्योंकि यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ आप जब पाठ्य योजना तैयार करेंगे वहीं आपके यह काम आता है, बाकी आपकी परीक्षा में ये सारी चीजें पूछी नहीं जाती हैं। ठीक है, अन्य कुछ कौशल आपके समक्ष दिए गए हैं,
जिस प्रकार से आपने अभी पिछला कौशल देखा उसी प्रकार से व्याख्या कौशल और श्यामपट्ट कौशल, यानी जब आप कोई भी बालक श्यामपट्ट पर कुछ कार्य करने के लिए जाता है वह किस प्रकार से पेश आता है, व्याख्या कौशल कोई भी बालक किसी टॉपिक पर व्याख्या दे रहा है या कोई चीज़ आपको बता रहा है तो वह किस प्रकार से करें, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी। बहरहाल ये चीज़ें पूछी नहीं गई थी इस वजह से हमने आपको बताया नहीं। अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल बेधड़क आप कॉमेंट करिएगा, हम इस पर अलग से लेक्चर आपके बीच में प्रोवाइड कर देंगे, आप खुद समझ जाइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।